हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि हेड वॉश कैसे करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो मैं पहले बालों को गीले कर लूँगी इसे अच्छे से, और पानी जो है गर्म ना ले, मतलब नॉर्मल पानी हो तो अच्छा होगा। गर्म पानी से जो है बाल बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं। और मैं हेड एंड शोल्डर का शैम्पू इस्तेमाल करूँगी, तो ये रूसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे बालों में डैंड्रफ नहीं होते और बाल भी ठीक होते हैं, बाल जो है झड़ते वगैरह नहीं है। तो एक मग्गे में मैंने थोड़ा सा पानी लिया और इसमें शैम्पू ले लूँगी। तो मग्गे में थोड़ा सा पानी शैम्पू के साथ घोल के तो इसे बालों में जो है लगाऊँगी, क्योंकि डायरेक्ट शैम्पू हम बालों में लगाते हैं तो बालों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, बाल डैमेज होता है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं बाल। तो डायरेक्ट शैम्पू ना लगाएं, उसे मग्गे में पानी के साथ घोल के तभी बालों पे लगाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। और जो है बालों में फिर अच्छे से शैम्पू को जो है मले, बहुत ही अच्छे से मल मल के तो बालों को वॉश करें। तो मैं इसी तरीके से बालों को वॉश करती हूँ अपने, और इसको जो है बालों के जो है अच्छे से रगड़ के, सर के जो होते हैं ना अच्छे से रगड़ें, और बालों को बिल्कुल भी नुकसान बिना पहुंचाए बाल को अच्छे से रगड़ें। तो ये देखिए मैंने सारा शैम्पू डाल लिया, और मैं दो बार शैम्पू नहीं लगाऊंगी, एक ही बार में जो सारा डाल लेती हूँ बालों में तो अच्छे से लगा लेती हूँ, क्योंकि बाल ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और नॉर्मल होते, ज़्यादा गंदे होते चलो दो बार लगा लो और गंदे ना हो, तो मैं एक ही बार शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने सारा शैम्पू लगा लिया और अच्छे से जो है उंगलियों से बालों को मैं जो है सर को ना अच्छे से मलूंगी। तो ये देखिए, ताकि जो डैंड्रफ अगर बालों में हो तो निकल जाएगी यहाँ से। ये देखिए मैं इसके जो है अपने बालों के स्किन को अच्छे से मल लिया है, और जो है अच्छे से बालों को शैम्पू के साथ मल मल के साफ कर लेंगे। तो ये देखिए मैं इसी तरीके से अपने बालों को वॉश करती हूँ, और आप लोग कमेंट करके जो बताना कि मैंने अपने बालों को अच्छे से वॉश किया या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बालों को धो लेते हैं। तो ज़्यादा देर तक मैंने नहीं रगड़ा था, क्योंकि बाल मेरे साफ ही थे, ज़्यादा गंदे नहीं थे। अगर आपके बाल ज़्यादा गंदे हैं तो अच्छे से इसे रगड़िए उसी शैम्पू से। ज़्यादा शैम्पू बालों में इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि ज़्यादा शैम्पू बालों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता है, क्योंकि शैम्पू ज़्यादा वो भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा शैम्पू लगाने से काफ़ी सारा झाग करने से जो है बाल ज़्यादा साफ़ होते हैं। तो आप जितना हो सके बालों को अच्छे से मलिए और साफ़ हो जाएगा आपके बाल। तो ये देखिए धो लिए हैं मैंने बाल, अच्छे से पानी से बालों को धो लूँगी ताकि शैम्पू पूरी तरीके से निकल जाए, बिल्कुल भी शैम्पू ना लगा हो बालों में। ये देखिए, और बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। तो देखिए अभी इसको और भी पानी से मैं धोऊंगी बालों को, जब तक पूरा शैम्पू ना निकल जाए तब तक उसको धोते रहो बालों को। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे बाल धुल चुके हैं, और मैं बालों में लगा लूँगी अपने तौलिया ताकि बाल जो है सूख जाएंगे तौलिए से। और तो बालों को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, और तौलिया लगा लूँगी मैं फटाफट बालों को, क्योंकि सर्दी का टाइम है, सर्दी में ठंड भी लग जाती है, इसलिए फटाफट मैं बाल भी सुखा लूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऐसे पानी पोंछ लूँगी, और फिर जो है बाद में पोंछूँगी, तौलिया से लगा लूँगी मैं बालों में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ बाद में। तो उसके बाद मैं बाद में नहा कर मिलूंगी। तो मैं आ गई हूँ नहा कर, और जो है अब मैं बालों को अच्छे से सुखा लूंगी से पानी को, बालों को पोंछ के तौलिए से आराम आराम से पोंछना, ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है ना ही खींचना है। तो ऐसे ही आराम से मैं साफ़ कर पानी को साफ़ कर लूँगी बालों से तौलिए से, और हेयर ड्रायर मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जितनी मर्जी सर्दी हो मैं हेयर ड्रायर कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स, बालों को मैं कैसे सुखाती हूँ
आपको हेयर वॉश करके मैंने सिखा दिया है वीडियो में, तो अब मैं बताती हूँ कि मैं अभी बाल धो कर आई हूँ और बालों से निकल रहा है पानी, तो मैं बालों में अपने हेयर ड्राई इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं तौलिए से बालों को सुखाती हूँ। और तो ऐसे ही पोंछ के मैं बालों को सुखाती हूँ, ऐसे ही बस अच्छे से पोंछ पोंछ कर सुखाएं। और बालों को आप ना ऐसे जो तौलियों को करके ऐसे जो झटके मारते हैं ना ऐसे बिल्कुल भी, तो ऐसे झटके बिल्कुल भी मत मारिए बालों को, क्योंकि ऐसे बाल डैमेज हो जाते हैं, तो ही बाल बहुत ही ज़्यादा से टूट के गिरते हैं बालों को, तो आप ऐसे झटके मार के बालों को मत सुखाइए। तो आप कुछ देर तक हो सके तो तौल को ही बालों में लपेट के रखें आधे घंटे तक, तो आपके जो है पानी सारा सूख जाएगा, और फिर तौलिए से ऐसे पोंछ पोंछ कर ही आप बालों को सुखाइए, तो बाल टूटेंगे भी नहीं और जो डैमेज भी नहीं होंगे। ये देखिए मेरे बाल लगभग मैंने पोंछ पोंछ के ऐसे सुखा लूँगी, ऐसे ही सारे बालों को सारा पानी इसका जो निकल जाएगा। तो ये देखिए, और अभी मैं नहा कर भी आ रही हूँ, देखिए मैं तौलिए से ही सारा बाल सुखाऊंगी, और ये तौलिए सॉफ्ट वाले तौलिए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, इसमें पानी अच्छे से सोख लेगा। तो ये देखिए ऐसे पोंछ के मैं सुखा लूँ, तो ये देखिए मेरे बालों में पानी नहीं है, पानी निकल चुका है, अभी थोड़ा बहुत निकलेगा इसमें से पानी, तो मैं इसी तरीके से सुखाती रहूँगी बाल, सुखा लूँगी अच्छे से पोंछ पोंछ के। और हेयर ड्रायर से बालों को ना सुखाएं अगर जितना हो सके, तो हेयर ड्रायर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें अपने बालों में, क्योंकि बाल जो टूटते ना ये बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं बाल से, तो हेयर ड्रायर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हो सके तो तौलिए से अच्छे से ऐसे पोंछ पोंछ के बालों को सुखा लें, एकदम प्रॉपर सूख जाता, और धूप में सुखाएं, तो धूप में सुखाएं तो बहुत ही अच्छा है, धूप अच्छा होता है बालों के लिए भी, धूप में सुखा लें। और ये देखिए सूख गए बाल, चलिए मेरे बाल सूख गए, तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो है फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो शेयर भी कर देना। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट वीडियो है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट जरूर पूरी करूँगी। तो ये भी मेरे हेड वॉश की भी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मैंने कंप्लीट कर दी है, तो चलिए बाय बाय।